नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। पांचवें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल पहुंची और 24,802 विद्यार्थियों को मिली उपाधि एवं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह का आयोजन कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में रविवार को विश्वविद्यालय परिसर के दीक्षांत मंडप में हुआ। इसमें कुल 24,802 विद्यार्थियों ने उपाधि प्राप्त किया, जिसमें स्नातक स्तर के 21,372 व स्नातकोत्तर स्तर के 3,430 विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें 13,347 छात्राएं व 11.454 छात्र हैं। राज्यपाल ने 38 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया, जिसमें 12 छात्र व 26 छात्राएं थीं। राज्यपाल ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि दीक्षांत का अर्थ शिक्षा का अंत होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पड़ाव है जहां विद्यार्थी अपनी अर्जित शिक्षा को कर्म क्षेत्र में उतारने का संकल्प लेता है। किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति में सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा ही है। मुझे विश्वास है कि आपने इस विश्वविद्यालय से जो शिक्षा ग्रहण की है, वो आपके जीवन पथ को आलोकित करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, राजनीतिक, प्रशासन, खेल और कला आदि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां बेटियां अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवा रही हो। ये प्रत्येक क्षेत्र में लड़कों की न सिर्फ बराबरी कर रही है, बल्कि कई क्षेत्रों में ये लड़कों से आगे नजर आ रही है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं चलाई, लड़कियों को भी मौका मिला तो परिणाम लाकर दिखा भी दिया। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने मौलिक कर्तव्यों को जानना चाहिए और उसका निर्वहन करना चाहिए। युवा पीढ़ी को भी मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाना अति आवश्यक है। युवाओं में नशे की लत को लेकर उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त बुराइयों का भी संकल्प युवाओं को लेना हैगा। इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद बुराइयों को खुद से दूर नहीं रख सकते, तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। आगे कहा कि विवि के रिसर्च का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को मिले, गांव वालों की समस्याओं का समाधान करने की पहल हमेशा हो, बेटियों को HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। राज्यपाल ने कहा कि इस देश को स्वस्थ महिलाओं की आवश्यकता है। वर्तमान में कैंसर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि हर महिला अपनी बेटी को कैंसर रोधी वैक्सीन जरूर लगवाए। इसमें 2-3 हज़ार का खर्च जरूर है, पर पतियों और भाइयों से उपहार में साड़ी व अन्य सामानों की जगह वैक्सीन लगवाने को जरूर कहें। बीमारी के बाद लाखों रुपये खर्च करने की बजाय वैक्सीन लगवाना बेहतर विकल्प है। परिषदीय स्कूली बच्चों से किया संवाद, दिए उपहार। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने परिषदीय स्कूल के 30 बच्चों से बातचीत किया। उन्होंने सभी बच्चों को उपहार भी दी, जिसमें स्कूल बैग, कॉपी किताबें, पेंसिल, पेन आदि पाठ्य सामग्री के साथ बिस्कुट, टॉफी आदि था। राज्यपाल से उपहार पाकर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। बच्चों ने भी उनको पर्यावरण, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज पर आधारित पेंटिंग भेंट किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से भी मिलकर पोषण किट का सदुपयोग कर कुपोषण मुक्त व TB मुक्त गाँव बनाने का संदेश दिया। केंद्र पर बच्चों को खेलने के लिए 3 पहिया रिक्शा भी दी। विश्वविद्यालय के गोद लिए हुए गांवों में पूर्व में आयोजित की गई खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को करे प्रोत्साहित। राज्यपाल ने कहा कि गंगा व सरयू नदी के बीच होने के नाते प्रकृति ने भी इस क्षेत्र को अत्यंत उर्वरक कृषि योग्य भूमि दी है। आज पूरी दुनिया मिलेट्स यानी श्री अन्न, मोटे अनाज के महत्व को जान चुकी है, इसलिए सभी विद्यार्थी व शिक्षक इस क्षेत्र के किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। कृषि विज्ञान से जुड़े शिक्षक एवं विद्यार्थी श्री अन्न की गुणवत्ता और उत्पादकता की वृद्धि के लिए शोध और नवाचार करें, ताकि भारत अपने साथ साथ पूरी दुनिया की आबादी को पोषण दे सके। चरित्रवान विद्यार्थियों का निर्माण शिक्षा का मूल उद्देश्य। प्रो वेदी। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय विवि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कुलाधिपति प्रो हर महेंद्र सिंह बेदी ने सभी विद्यार्थियों को बधाई शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्रवान विद्यार्थियों का निर्माण करना है। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो रोजगार परक हो। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने आतंकवाद के समय पंजाब को राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का जो श्रम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगा। उन्होंने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के योगदान को बताते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा ने उपनिषद, वेद, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ग्रंथ दिए हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत ग्रंथ घोषित किया है। विवि द्वारा समुदाय के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की उन्होंने सराहना की और उम्मीद जताई कि यह विवि जनपद के आर्थिक, सामाजिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश के लिए कुछ करना सबका कर्तव्य। उच्च शिक्षा मंत्री। विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा का आज वास्तविक प्रकटन हुआ है। अपने गुरुओं द्वारा प्रदत्त ज्ञान एवं कौशल को ये उपाधि प्राप्त विद्यार्थी अपने जीवन में उतारेंगे। सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य है देश के लिए कुछ करना। देश हमें देता है, हम भी कुछ देना सीखें। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी विद्यार्थी भविष्य में भी कठिन परिश्रम करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और अपने विश्वविद्यालय, जनपद एवं राष्ट्र की समृद्धि में योगदान देंगे। कुलपति ने बताया विवि का प्रगति विवरण। स्वागत उद्बोधन देते हुए कुलपति प्रो संजीत कुमार गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।
विवि का प्रगति विवरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि विवि द्वारा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन के लिए कुटीर उद्योग एवं कैश क्रॉप के लिए लगातार प्रशिक्षण देता है। शिक्षकों एवं प्राचार्यगण के शिक्षण कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कहा कि विवि में शीघ्र ही शोध के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। समारोह के समापन के समय धन्यवाद ज्ञापन कुलसचिव एनएल पाल ने किया। संचालन प्रो निशा राघव ने किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, पूर्व कुलपति प्रो कल्पलता पांडेय, विधायक कितकी सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय यादव, डीएम रविन्द्र कुमार आदि उपस्थित रहे। स्मारिका का किया लोकार्पण। कुलाधिपति श्रीमती पटेल ने दीक्षांत समारोह के अवसर स्मारिका सृजन व श्री अन्न मोटे अनाज से बने व्यंजनों की रेसिपी की एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के सामाजिक उत्तरदायित्व केंद्र की सूचना विवरणिका का भी लोकार्पण किया। एक साड़ी नहीं दूंगी, साड़ी का जो खर्च है ना वो बेटी को वैक्सीन दिलवाने में आप दे दो। ये सम्मान है मित्रों, हमारी बेटियों के लिए ये सम्मान होना चाहिए। जब मैं पहला इधर जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली तब मैं पहला मेरे लिए पहला दीक्षांत समारोह में आई थी। तब पूरा परिसर पानी से भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था। और इसी समय हमारी कुलपति प्रोफेसर कल्पलता थी। स्टूडेंट्स की संख्या शायद 100 से कम थी मित्र यूनिवर्सिटी में, और इसी तरह यूनिवर्सिटी चलती थी। जो हम प्रयास नहीं करते तो परिणाम कैसे मिलेंगे। और प्रयास किया मित्रों, 3 साल का अथाह प्रयास करने के बाद आज अलग अलग प्रकार के हमारे स्टूडेंट्स आज ये गोल्ड मेडल लेकर जा रहे हैं। लेके लिए भी आपने प्रयास शुरू किया, लेकिन समय 5 साल से ज्यादा होना चाहिए। तो नए कुलपति को भी ये पता है कि हमें 1 साल के बाद नेक में जाना है, अभी से तैयारी करना मत करो। ये 15 दिन की एक दिन की तैयारी से नेक नहीं मिलता है। सभी यूनिवर्सिटी के सभी अध्यापक, सहायक अध्यापक, स्टूडेंट्स ये सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो नेक में रैंकिंग लाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम ये काम शुरू करें मित्रों। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आपको बताना चाहती हूँ कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मूल ग्रंथ है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं और आपकी यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर ये संविधान का जो मूल भाव है वो लिखा हुआ है, पढ़ते रहिए। संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। हम अधिकार जानते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं जानते। मौलिक अधिकार और कर्तव्य ये दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तंभ हैं। मौलिक अधिकारों की तो हम सभी बात करते हैं, इसके लिए आवेदन पत्र देना, इसके लिए धरना करना, इसके लिए किसको मिलने के लिए हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इसके लिए तो काम करते रहते हैं। लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि हम अपने मूल कर्तव्य को जाने, समझे और उसके अनुरूप ही अपना कार्य व्यवहार करें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यदि नेक का एक काम हम लोगों ने नहीं किया होता तो ये परिणाम आता बताइए मुझे। मैंने मेरा कर्तव्य समझा कि मैं जब इन कुलाधिपति बनकर आई हूँ तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से चले, रैंकिंग में आगे बढ़े और स्टूडेंट्स को नए नए अभ्यास कर उसको प्राप्त हो। हम लोगों ने हमारा कर्तव्य निभाया और आपको
मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने भी अपना कर्तव्य निभाया, कि राजभवन ने जो मार्गदर्शन आपको किया इस हिसाब से आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा 5 गांव 10 गांव गोद लीजिए, वहां जाकर काम करिए। आपने शुरू किया। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ चल रहा है, जो आपकी शक्ति है, आपका कौशल है, आप सब पढ़े लिखे हैं, PhD किया, ये आने वाले समय में क्या जरूरत है उनको पढ़िए। तो ये सब बातें हम लेकर गांव में जाएंगे, तभी गांव स्वस्थ होगा और हमारे छात्र छात्राओं को विचार आएगा कि आगे जाकर हमें कौन से विषय पसंद करने हैं। आप सबको पता है आज से 5 साल पहले कोई महिला या तो बेटी कृषि विषय पसंद नहीं करती थी, नहीं करती थी, पशुपालन का काम नहीं करती थी, पढ़ाई का काम। आज वो ही बेटियां कृषि में भी जा रही है और सीख रही है कि किस तरह कृषि करना है, किस तरह पशुपालन करना है। ये परिवर्तन है और ये परिवर्तन तब देखा वे लोगों ने कि आप जैसे लोग गांव में पहुंचे, उनको समझाया, तब जाकर बेटियां भी आज ऐसे ऐसे विषय पसंद करके आगे बढ़ रहे हैं। आम जन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सामाजिक समरसता के लिए कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। मैं चाहती हूँ कि विश्वविद्यालयों के युवाओं को मूल कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाए। देश की युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्य के बारे में बताया जाना आवश्यक है। बलिया जनपद में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है मित्रों, कृषि क्षेत्र के अलावा इनकम जनरेट करने का कोई अवसर इधर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको नहीं मिलता है। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। इसको दृष्टिगत रखते हुए बलिया जनपद की सब्जियों को विदेश में भेजा जाएगा, जिसमें किसानों की आय दोगुनी होगी। बलिया के ऐतिहासिक सूरा लाल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। बलिया में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रधानमंत्री कर रहे सुयोग्य राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, विद्युत परिषद के सदस्य अतिथिगण, प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। चंद्रशेखर जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे अपने देश को, राष्ट्र में, शिक्षा जगत में आने वाले परिवर्तन को और किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति धीरे धीरे जनमानस को प्रभावित कर रही है, ये मुझे समझने का, देखने का और एक मूल्यांकन अपने भीतर करने का मौका मिला। मैं कुलाधिपति जी का, कुलपति जी का और विद्वत परिषद का, कार्यकारी परिषद के सदस्यों का, शिक्षक से हम सब लोगों के सामने थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो बहुत कुछ अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को, अपने दर्शन को समझने का यहाँ के बुद्धिजीवियों को एक सुअवसर मिला। आप देखें कि विश्वविद्यालयों की भूमिका का एक उदाहरण
मैं आज देखकर अचंभित हुआ हूँ कि उन बच्चों के साथ विश्वविद्यालय का संवाद हो जो कहीं पिछड़ गए थे और वो विश्वविद्यालय के प्रांगण में आकर कितने सपने संजोकर इस देश के वापस लौटेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय राज्यपाल जी को बधाई देता हूँ कि कम से कम अपने इस राज्य में, दूसरे राज्यों में भी प्रयास हो रहे हैं, आपने जिस शक्ति से, इच्छा शक्ति से इन सब बातों को समझा और ये जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्र बदल रहा है, देश बदल रहा है, बहुत कुछ धनात्मक इस देश में हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी उदाहरण मुझे आज देखने को मिली। दीक्षांत समारोह की एक परंपरा देखिए।